नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं, और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। चलो बच्चों, हम अभी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। हम क्या कर रहे थे? अमीन्स। तो मैंने आपको पहले बता दिया अमीन्स होते क्या है, उनको बुलाते कैसे हैं, कैसे उसको नॉमनक्लेचर देते हैं, एलिफेटिक क्या होता है, एरोमेटिक क्या होता है ना, थोड़ा सम अप। फिर हमने बनाया उनके बहुत तरीके जिससे हम उनकी तैयारी कर सकते हैं, बना सकते हैं, उनको लैब में बना सकते हैं, किस तरह अलग अलग विभिन्न प्रकार की हमने रिएक्शंस करी। फिर हमने उसकी थोड़ी विशेषताएं जानने की कोशिश करी, फिजिकली वो कैसे होता है। करेक्ट, केमिकली में मैंने आपको बताया, कुछ आपके सिलेबस में दे रखा है कि ये चीज़ें आपको इनके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये हाफ में डिग्रेडेशन रिएक्शन कैसे करते हैं, ये नाइट्रस एसिड से कैसे रिएक्ट करते हैं, ये सल्फोनाइल क्लोराइड से कैसे रिएक्ट करते हैं। तो उस सीरीज में अब हम आगे चल रहे हैं, हम उस श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमने हाफ में डिग्रेडेशन किया, अब हम दूसरी रिएक्शन जो करेंगे वो है रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। किसके साथ है हमने देखना है इसका रिएक्शन? नाइट्रस एसिड के साथ। एसिड तो ये है, मगर कौन सा एसिड? नाइट्रस एसिड। अब हमारे पास चक्कर क्या हो जाता है, प्रॉब्लम क्या है? हमारे पास इतनी आसान नहीं है, हम लिखते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं, नहीं, क्योंकि हमारे पास प्राइमरी अमीन भी है, सेकेंडरी अमीन भी है, टर्शरी। अभी आपको मैंने जब हॉफमैन कराया तो मैंने आपको एलिफेटिक से भी दिया, आपको साइक्लिक करके भी दिया। ऐसे ही हमने यहाँ भी देखना है कि इसका HNO2 के साथ, नाइट्रस एसिड के साथ प्राइमरी कैसे रिएक्ट कर रहा है, एरोमेटिक कैसे रिएक्ट कर रहा है, एरोमेटिक प्राइमरी कैसे कर रहा है, एलिफेटिक प्राइमरी कैसे कर रहा है। तो हर एक को अलग 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 हमने इस जो विशेषता है इसकी, केमिकल जो प्रॉपर्टी है इसकी, वो हमने अभी हमने इसको उदाहरण सहित इसका हमने विवरण कर लिया। तो पहली रिएक्शन जो मैं पढ़ रही हूँ वो क्या है? नाइट्रस एसिड के साथ। और नाइट्रस एसिड पहले तो जानिए बनता कैसे है। ये होता है NaNO2 प्लस HCl के साथ, और इसमें हमने कोल्ड टेम्परेचर रखना होता है, और देर जो बनता है वो बनता है हमारे पास नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड हो गया HNO2। इसका प्राइमरी अमीन का क्या रिएक्शन है? उस प्राइमरी अमीन में भी एलिफेटिक में कैसे है, एरोमेटिक में कैसे है, ऐसे ही टर्शरी में कैसे है, सेकेंडरी में कैसे है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सिंपल एलिफेटिक अमीन RNH2 प्लस HNO2, इसका रिएक्शन क्या है? तो ये जब भी रिएक्ट करेंगे तो इसमें से नाइट्रोजन गैस निकलेगी। तो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, अगर हम उसको बोलना चाहें, एफर्वेसेंस ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर आपने, हमने अमीन लिया और उसमें हमने NaNO2 डाला प्लस HCl डाला और इनको रिएक्ट कराया आपस में, तो क्या होगा? अगर एफर्वेसेंस हो रही है नाइट्रोजन गैस की, तो हमें समझना है एकदम से कि इसमें क्या है, इसमें प्राइमरी अमीन है। तो अब रिएक्शन कैसे होती है देखिए, हम इसको HNO2 ऐसे भी लिख सकते हैं या NaNO2 प्लस HCl लिख दिया, और हमने इसका रिएक्शन कराना है। तो बन जाता है RN2Cl, फिर इसमें हम पानी डालते हैं तो ये बना देता है ROH प्लस N2 प्लस वाटर। देखिए किसका एफर्वेसेंस हुआ, ये नाइट्रोजन का। तो पहले क्या हुआ, ये प्राइमरी अमीन थी, फिर हमने नाइट्रस एसिड डाला। नाइट्रस एसिड को हम HNO2 भी लिख सकते हैं, हम NaNO2 प्लस HCl ही लिख सकते हैं, क्योंकि जब NaNO2 प्लस HCl डालेंगे तभी नाइट्रस एसिड बनेगा, बना बनाया आपको नाइट्रस एसिड नहीं मिलता है, हमें बनाना ही पड़ता है। वो तभी बनता है क्योंकि बहुत ही अनस्टेबल होता है। तो जैसे ही ये बना, पहले इसने RN2Cl बना दिया, और फिर हमने उसमें वाटर ऐड कर दिया, तो बना दिया अल्कोहल, और बना दिया नाइट्रोजन गैस और पानी। तो मतलब नाइट्रोजन गैस का उत्पाद हो गया प्राइमरी अमीन के साथ। अब चलिए हम एक रिएक्शन लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं, CH3NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl। तो हमें क्या मिलना चाहिए, CH3OH प्लस जो फाइनल प्रोडक्ट है N2 प्लस वाटर। तो किसका गैस निकल रहा है बाहर,
नाइट्रोजन गैस। हमने मिथाइल अमीन लिया, NaNO2 के साथ ट्रीट किया उसको और बना दिया हमने। ये तो है एलिफेटिक प्राइमरी अमीन। अब इसी का अब हमने एक मैंने उदाहरण दिया, हमने प्राइमरी अमीन लिया CH3NH2 NaNO2 के साथ। अब ये तो था एलिफेटिक। अब अगर हमने एरोमेटिक करना हो तब क्या रिएक्शन होगी? तो एरोमेटिक जब हम करते हैं तो उसमें जो बनता है डाइजोनियम क्लोराइड बनता है। चलिए पहले मैं इसको हटाती हूँ, फिर मैं आपको एरोमेटिक अमीन के साथ रिएक्शन करके बताती हूँ। एरोमेटिक अमीन का उदाहरण तो हाँ जी एनिलीन। एनिलीन एक उदाहरण है एरोमेटिक अमीन का। ये देखिए, ये हमने ले ली एनिलीन। अब हमने इसको किसके साथ ट्रीट कर दिया? NaNO2 के साथ डाला और उसमें HCl को भी डाल दिया और हमारे पास जो कंपाउंड बन गया ये बन गया N2Cl। इसको बोलते हैं डाइएजोनियम क्लोराइड। ये अगला जो हमारी श्रृंखला है उसमें हमने इसको भी जानना है। तो देखिए, पहले भी मैं आपको बताती आई हूँ, जो किसी की रिएक्शन है वो किसी की दूसरे कंपाउंड की मेथड बनती है, बनाने की विधि बनती है बनाने की। जैसे अभी हमने क्या किया, ये किसकी विशेषता है? अमीन की, कि अगर हम उसमें NaNO2 और HCl डालते हैं तो हमें डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है। और डाइजोनियम क्लोराइड अगर हमने बनाना हो तो हमारे पास एक विधि मिल गई। क्या विधि? कि हम एनिलीन में NaNO2 प्लस HCl को डाल देंगे तो हमें डाइजोनियम क्लोराइड मिल जाएगा, है ना। तो ये बन गया अगर हमारे पास एरोमेटिक है। ये भी बाद में नाइट्रोजन गैस को रिलीज कर सकता है, इसमें से भी नाइट्रोजन की एफर्वेसेंस होती है, लेकिन पहले जो बनता है डाइजोनियम क्लोराइड। और फिर क्या करता है ये डाइजोनियम क्लोराइड? दूसरे डाइजोनियम क्लोराइड के साथ भी रिएक्ट कर जाता है और डाइजोनियम कंपाउंड्स बनाना शुरू कर देता है। ऐसे वो इसकी फर्दर रिएक्शन है, उतना जानने की आपको जरूरत नहीं। हमने सिर्फ ये बताना है कि एरोमेटिक अमीन्स क्या करते हैं और एलिफेटिक अमीन्स क्या करते हैं। तो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन का एफर्वेसेंस होता है और जो एरोमेटिक अमीन्स है वो डाइजोनियम क्लोराइड बनाते हैं, ठीक है। प्लस NaCl एंड सो ऑन। चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी रिएक्शन को। ये तो हमने प्राइमरी अमीन किया, अब हम करते हैं सेकेंडरी अमीन। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी इसकी विशेषता क्या है, ये करने से फायदा क्या है, अब है ना। चलिए अब हम करते हैं सेकेंडरी अमीन। सेकेंडरी अमीन में हम ले सकते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक, उन दोनों का जो भी, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक है, वो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है और वो नाइट्रोसो अमीन येलो पीले रंग का तेलीय पदार्थ होता है, तो हमें कलर मिल जाता है। उसमें नाइट्रोजन गैस मिली, इसमें हमें तेली पदार्थ मिल जाता है। उस वाले को हम एरोमेटिक डाइज भी बोलते हैं और इसमें हमारे पास कलर नहीं आता है, कलर आता है मगर तेल जैसा कलर आता, कोई डाई बन के बाहर नहीं आती है। उसमें एजोडाई, जो मैंने अभी आपको एन डबल बॉन्ड एन बताई, उसको हम एजोडाई बोलते हैं। चलिए सेकेंडरी अमीन है R2NH। फिर से हमने क्या डालना है? NaNO2 प्लस HCl। अब देखिए कंपाउंड ही टोटली डिफरेंट हो गया, अलग ही कंपाउंड बन गया। क्या बन गया इसमें? नाइट्रोसो अमीन। अब नाइट्रोसो अमीन क्या होता है? R2N N डबल बॉन्ड O। ये क्या है? येलो कलर का ऑयल, येलो कलर का ऑयल। तो अगर प्राइमरी डाला तो हमें नाइट्रोजन गैस मिली, हम सेकेंडरी डाल रहे हैं तो हमें एक ऑयल मिलता, तेलीय पदार्थ मिलता, कौन से रंग का? पीले रंग का। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं, चलिए CH3 2NH प्लस NaNO2 प्लस HCl क्या दे रहा है हमें? CH3 2N डबल बॉन्ड O और ये कंपाउंड भी येलो कलर का ऑयल होगा। अब हमने एरोमेटिक ले लिया, प्लस NaNO2 प्लस HCl, तो ये भी हमें क्या बना के दे रहा है? नाइट्रोसो कंपाउंड और ये भी येलो कलर का ऑयल, येलो कलर ऑयल। तो अगर हमें प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को डिफरेंशिएट करना हो तो कौन सा टेस्ट है जो डिफरेंशिएट कर सकता है? HNO2 का रिएक्शन। प्राइमरी से करते हैं तो डाइजोनियम कंपाउंड बनता है और वो बाद में नाइट्रोजन को लूज करता है, या हम उसको एजोडाई भी बोलते हैं अगर एरोमेटिक अमीन है। एलिफेटिक है तो नाइट्रोजन गैस, एरोमेटिक है तो एजो कंपाउंड।
अगर हमने सेकेंडरी अमीन लिया तो नाइट्रोसो कंपाउंड चाहे एलिफेटिक है चाहे एरोमेटिक है तो येलो कलर का ऑयल बन जाता है। ठीक है, अब हम करते हैं टर्शियरी का, फिर मैं इसको समअप करूंगी, पहले हम इसको जानते हैं क्या है। चलिए अब हम डालते हैं टर्शियरी अमीन, एलिफेटिक टर्शियरी अमीन, तो मतलब हो गया R3N प्लस NaNO2 प्लस HCl, और इसमें जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट, ट्राइएल्काइल अमोनियम नाइट्रेट। चलिए पहले जानते हैं ये क्या है, कैसे कलर का है। प्लस HCl, और ये जो है इसका कोई कलर नहीं होता है, नो चेंज इन कलर। देखिए क्या है ये, R3N प्लस NaNO2 प्लस HCl क्या बना रहा है, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट। अब आपको मैंने सबसे पहले एक विशेषता बताई थी अमीन्स की कि अगर हम उनको एसिड्स के साथ ट्रीट करते हैं तो वो सॉल्ट बनाते हैं, है ना। तो क्या था वो रिएक्शन, RNH2 प्लस HCl क्या बनाया था उसने, RNH2 HCl, है ना, या हम उसको ऐसे लिख सकते हैं RNH3 प्लस Cl नेगेटिव, है ना। तो समझिए ये क्या है, ये तो तुम्हारी थी बेस और ये रिएक्ट किससे कर रहा है, HNO2 क्या है ये एसिड, और ये क्या बनाया हमने यहाँ पर, देखिए R3N प्लस NO2 नेगेटिव, ये तो हो गया आपका प्लस वाला कंपोनेंट, ये हो गया माइनस, जैसे NaCl, Na प्लस Cl नेगेटिव, ये क्या हो गया CH3 थ्राइस या R3 थ्राइस N प्लस Na की जगह और NO2 की जगह Cl, तो ये क्या बन गया सॉल्ट। तो क्या सॉल्ट बनता है ये, ट्राई एल्काइल अमोनियम नाइट्रेट, और इसमें कोई कलर चेंज नहीं है, जो भी कलर से कंपाउंड से शुरू किया है वही कलर बनेगा। अभी जो पहले आपने किया सेकेंडरी तो क्या कलर आ गया था, नाइट्रोसोमीन बनी, नाइट्रोसोमीन में क्या कलर आ रहा था, येलो कलर, पीला रंग, इसमें कोई कलर नहीं आएगा। ये बहुत ही कॉन्स्पिक्यूस टेस्ट है, क्योंकि अगर हम एरोमेटिक लेते हैं तो उसमें ग्रीन कलर आता है। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट, कितनी जरूरी चीज है कि हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब चलिए हम एरोमेटिक लेते हैं, एरोमेटिक में क्या है, सी एच थ्री ट्वाइस एन, और चलिए माना दो हमने उसमें एलिफेटिक डाले, एक उसमें हमने एरोमेटिक डाला, तो ये टर्शियरी अमीन है और ये रिएक्ट कर रहा है फिर से NaNO2 और HCl के साथ, और ये जो कंपाउंड बना के दे रहा है ये नाइट्रोसो कंपाउंड बना के दे रहा है हमें CH3 twice NO प्लस NaCl प्लस वाटर, और ये कलर है ग्रीन, ग्रीन कलर। देखिए कितना फर्क आपको दिख रहा है, इसका नाम हो जाएगा वन नाइट्रोसो एन डाइमिथाइल एनिलीन। चलिए जानिए ये क्या था, ये हमारे पास टर्शियरी अमीन है। कैसा टर्शियरी अमीन है, एक तरफ एरोमेटिक है दो एलिफेटिक है, और इसको हम एरोमेटिक अमीन की श्रृंखला में डालेंगे, और रिएक्शन किसके साथ है, NaNO2 और HCl के साथ, और इसने बना दिया नाइट्रोसो कंपाउंड और इसमें कलर आ गया ग्रीन। चलिए इसको संक्षेप में जानते हैं, इससे हुआ क्या, हमने क्या किया, हमने प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शियरी अमीन, अगर हमको ये बोले जाए, ये उदाहरण से मांगा जाए कि बताइए प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन को हम कैसे किसी भी केमिकल क्रिया द्वारा अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उसको जान सकते हैं किसी भी केमिकल प्रक्रिया द्वारा कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्शियरी है, तो हमें क्या देना है, पहला ही जो टेस्ट है वो है HNO2 की रिएक्शन के साथ। तो मैंने क्या बताया, प्राइमरी अमीन, अमीन जो है जब हम HNO2 के साथ उसको पहली रिएक्ट करते हैं, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन को दो नाइट्रोजन गैस का उत्पाद होता है,
उसी का एरोमेटिक क्या करता है, एजोडाई बनाता है या डाइजोनियम क्लोराइड बनाता है। ऐसे ही जब हम सेकेंडरी में आते हैं वो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाता है, लेकिन उसमें एक कलर आ जाता है और वो तेलिया 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 जैसा होता है, ऑयली कंपाउंड होता है और वो येलो कलर का होता है। और जब हम टर्शरी में जाते हैं तो टर्शरी में अगर वो टोटली एलिफेटिक टर्शरी अमीन है तो वो सॉल्ट बनाता है जो कि कोई कलर नहीं देता, और अगर उसमें दो एलिफेटिक पार्ट है एक एरोमेटिक पार्ट है तो हम उसको एरोमेटिक में ही मानते हैं। वो एरोमेटिक पार्ट क्या देता है, नाइट्रोसो कंपाउंड, और वो सब्ज रंग का होता है। तो क्या हम इस टेस्ट से किस तरह हम ये भेद कर सकते हैं प्राइमरी अमीन क्या है, सेकेंडरी अमीन कौन सा है और टर्शियरी अमीन कौन सा है। तो ये आपकी इसकी विशेषता में भी आ गई और ये एक टेस्ट भी आ गया, क्योंकि जो क्वेश्चन है जो प्रश्न है वो वैसे भी पूछा जा सकता है, बताइए जी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन को हम किस केमिकल रिएक्शन द्वारा हम अलग कर सकते हैं, बता सकते हैं ये प्राइमरी का अमीन है, ये सेकेंडरी है, ये टर्शियरी है। तो उसके लिए हमें कौन सा टेस्ट जरूरी है, जो मैंने अभी आपको बताया HNO2 के साथ रिएक्शन, और HNO2 कहां से बनता है, NaNO2 और HCl के साथ जब हम रिएक्ट करते हैं तो HNO2 बनता है, तो आपस में रिएक्ट करके वो ये कंपाउंड बना देते हैं जिससे हम इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हैं। नाइट्रोजन निकली मतलब प्राइमरी अमीन, ऑयली कलर बना येलो कलर का मतलब जी सेकेंडरी अमीन, कोई कलर नहीं बन रहा है या ग्रीन कलर का बना है जी मतलब टर्शियरी अमीन है। तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को हमें अलग अलग बताने के लिए ये टेस्ट हमारा बहुत कामयाब टेस्ट है, जिससे हम बता सकते हैं तीनों के बीच में HNO2 के साथ रिएक्ट करने के रिएक्ट करते करते क्या डिफरेंस हो रहा है, क्या चीज हो रही है। चलिए इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हेसनबर्ग टेस्ट जो कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन में हमको अलग अलग भेद बता सकती है। प्राइमरी का रिएक्शन कुछ और टाइप है, सेकेंडरी का कुछ और है और टर्शियरी का कुछ और है। ये रिएक्शन क्या है, अमीन्स का रिएक्शन सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ, सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ जो कि बनाता है सल्फोनामाइड्स। ठीक है, क्या रिएक्शन है ये, अमीन्स का रिएक्शन है सल्फोनाइल क्लोराइड्स के साथ और जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो है सल्फोनामाइड। प्राइमरी भी इसके साथ रिएक्ट करता है, सेकेंडरी भी रिएक्ट करता है, लेकिन जो टर्शियरी है वो इसके साथ नहीं रिएक्ट करता। तो पहले ही हमें पता चल गया अगर हमने डाला और कोई रिएक्शन नहीं हुई तो ये तो टर्शियरी अमीन है। अगर प्राइमरी है और सेकेंडरी है उनको भी क्या क्या निकलता है, प्राइमरी अगर रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, प्राइमरी का रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, सेकेंडरी का रिएक्शन होता है तो क्या प्रोडक्ट बनता है, वो भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये एक ऐसा टेस्ट है जो हमें बताता है अंतर, प्राइमरी के साथ अगर हमने रिएक्ट किया तो क्या बनेगा, सेकेंडरी के साथ किया तो क्या बनेगा। प्राइमरी के साथ करो या सेकेंडरी के साथ करो, या तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनेगा सल्फोनामाइड या डाई सब्स्टिट्यूटेड बनेगा। अब ये मोनो है कि डाई है उसको जानने की भी हमारे पास विधि है। हम क्या करते हैं, उसमें एक्सेस NaOH डालते हैं तो जो प्राइमरी अगर मोनो वाला सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो उसमें डिजोल्व हो जाता है और जब हम उसमें एसिड डालते हैं तो वापस अपीयर हो जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी वाला है वो उसमें डिजोल्व नहीं होता और उसका एसिड के ऊपर कोई रिएक्शन नहीं होता। और जो टर्शियरी है वो तो सॉल्युबल ही नहीं है, वो तो रिएक्ट ही नहीं करता है, वो वैसे का वैसा रह जाता है, लेकिन अगर उसमें हम एसिड डालते हैं तो वो उसमें घुल जाता है। तो एक ऐसी विधि, एक ऐसा टेस्ट, एक ऐसी प्रतिक्रिया, एक ऐसी संक्षिप्त रिएक्शन जो हमें ये बता सकती है कि देखिए जी सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ अगर प्राइमरी बना, प्राइमरी ने ट्रीट किया तो क्या रिएक्शन दिया, सेकेंडरी से हुआ तो क्या हुआ, टर्शियरी से तो क्या हुआ। तो इसका मतलब है हम अपने कंपाउंड को अलग अलग श्रेणियों में बांट सकते हैं, क्या प्राइमरी है, कौन सी सेकेंडरी है और कौन सी टर्शियरी है। अब हम पहले करते हैं वो रिएक्शन है क्या, किसके साथ हमने उसको ट्रीट करना है, कैसे करना है। ये देखिए ये है हमारा सल्फोनाइल क्लोराइड, ये है हमारा सल्फोनाइल प्लस प्राइमरी अमीन। तो ये बना दिया इसने सल्फोनामाइड। दिस इज मोनो सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड। ठीक है, अब हम करते हैं सेकेंडरी के साथ।
हो गया हमारा डाई सब्स्टिट्यूटेड सल्फोनामाइड, ठीक है। और अब हम लिखते हैं कोई भी टर्शियरी अमीन, प्लस आर थ्री एन, इसके आगे आएगा नो रिएक्शन। तो अगर आपको पूछा जाए, कोई उदाहरण मांगा जाए, कैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी को का भेद कर सकते हैं, जी हमने क्या डाल दिया उसमें, टॉलवीन सल्फोनाइल क्लोराइड, इसका नाम है टॉलवीन सल्फोनाइल क्लोराइड। तो ये बना दिया मोनो, ये बना दिया डाई, और इसने कोई रिएक्शन ही नहीं करी, तो हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब मोनो प्रोडक्ट बना है कि डाई बना है, उसको भी जानने की विधि है। अब हम कैसे करेंगे, इसको मैं हटाती हूँ, फिर बताते हैं हम उसको कैसे करेंगे। ये जो मोनो वाला प्रोडक्ट है, इसमें हमने क्या डाला, एक्सेस ऑफ बेस NaOH डाला, ये प्रोडक्ट सॉल्युबल हो जाएगा, सॉल्युबल, और फिर हमने इसमें एसिड डाला तो ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, ठीक हो गई बात। जो डाई वाला प्रोडक्ट है ये इनसॉल्युबल ही रहेगा, ये डाल दिया हमने एक्सेस बेस, इट इज इनसॉल्युबल, और फिर इसमें हम एसिड डाल रहे हैं तो नॉट इफेक्टेड। देखिए इसकी विशेषता जानी है, और जब हम ट्राई वाला है, ट्राई तो उसके साथ रिएक्ट ही नहीं करा, लेकिन वो रहेगा तो वही, उसमें भी हमने NaOH डाला तो क्या हो गया, इनसॉल्युबल ही रहा, लेकिन अगर हमने उसमें एसिड डाला तो वो सॉल्युबल हो गया, वो घुल गया। अब समझिए क्या किया हमने, हमने एक अमीन ली, हमें नहीं पता ये क्या है, हमने ले लिया कंपाउंड ए, हमने उसमें डाल दिया सल्फोनाइल क्लोराइड, टॉलवीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो हम देख रहे हैं कुछ कंपाउंड बना है ना, हमें ये नहीं पता ये कंपाउंड प्राइमरी की वजह से बना है कि सेकेंडरी की वजह से, तो हमने क्या डाल दिया, एक्सेस NaOH, तो देखा कंपाउंड तो घुल गया, कुछ बचा ही नहीं, फिर हम उसमें एसिड डाल रहे हैं, वो फिर से अपेयर हो गया। अगर ऐसा होता है, ऐसी प्रतिक्रिया हुई, तो मतलब है जो हमारा अमीन था वो प्राइमरी ही है, ठीक होगी। तो मतलब ये वाला कंपाउंड बना होगा, जब NaOH डाला वो उसमें घुल गया, लेकिन उसके बाद एसिड डाला वो फिर से वापस आ गया। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, हमने ऐसा जब किया, ऐसा नहीं हुआ, सपोज ऐसा नहीं हुआ, क्या हुआ, हमने हमारे पास प्रोडक्ट तो बन गया, जब हम उसमें NaOH डाल रहे हैं वो घुल नहीं रहा है, घुल नहीं रहा है, फिर हमने उसमें एसिड डाला, उसको कुछ नहीं हुआ, मतलब चाहे तुमने बेस डाली चाहे तुमने एसिड डाली, वो वैसे का वैसा रहा। तो इसका मतलब है प्रोडक्ट कुछ, हमें ये नहीं मालूम है ना कि प्राइमरी अमीन ने रिएक्ट किया कि नहीं किया, सेकेंडरी ने किया कि नहीं किया, टर्शियरी ने किया कि नहीं, तो हमें एक कंपाउंड दिख रहा है वहां, कुछ भी नई चीज दिखी, कोई एक सॉलिड सा चीज मिला, तो हमने बोला कि हम इसको NaOH में डिसॉल्व करते हैं, देखा घुल गया तो मतलब प्राइमरी है, नहीं घुला तो मतलब सेकेंडरी है। लेकिन साथ के साथ ये भी हो सकता है, क्या पता ये टर्शियरी अमीन ही हो जो बिल्कुल ही रिएक्ट ही नहीं करती है, तो लेकिन अगर वो रिएक्ट नहीं करती है उसको हम NaOH में डालते हैं, वो इनसॉल्युबल ही है, सेकेंडरी भी इनसॉल्युबल है, लेकिन सेकेंडरी और टर्शियरी को अगर हमने डिस्टिंग्विश करना है, अलग अलग देखना है, तो हम क्या कर रहे हैं, एसिड डाल रहे हैं, जो सेकेंडरी है वो तो अपेयर नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं हुआ उसको, लेकिन जो ये वाला था ये एसिड में घुल गया, तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी को हम इस वाले मेथड से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, हिंसबर्ग रिएक्शन से। चलिए ये तो जान लिया हमने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी का रिएक्शन, अमीन्स का जनरल रिएक्शन थायनाइल क्लोराइड के साथ क्या होता है, या सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ क्या होता है, मोनो डाई सब्स्टिट्यूटेड और नो रिएक्शन एट ऑल। चलिए अब हम इसी श्रृंखला में आगे बढ़ाते हैं, अब हमारे पास जो रिएक्शन बचती है, दो रिएक्शन बचती है हमारे पास, एक रिएक्शन है कार्बाइल अमीन और एक हमारी रिएक्शन है शॉर्टमैन बोवेन रिएक्शन, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं कार्बाइल अमीन रिएक्शन, जो कि मैंने बताया बड़ी ऑफेंसिव स्मेल होती है, पहले लिख लेते हैं हम कार्बाइल अमीन प्राइमरी अमीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस के पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दिस गिव्स अस कार्बाइलामीन, वी कॉल इट एज आइसोसाइनेट,
साइनाइड, आइसोसाइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, मैं केमिकल वे में लिखती हूँ। कोई भी प्राइमरी अमीन का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ है, और जो हमें प्रोडक्ट मिलता है दैट इज आइसोसाइनाइड। वेरी वेरी ऑफेंसिव। तो प्राइमरी अमीन हमेशा जब रिएक्ट करेगी तो ये कंपाउंड बनाएगी, सेकेंडरी भी नहीं करेगी और टर्शियरी भी नहीं करेगी। अगर ऑफेंसिव स्मेल आई तो मतलब ऑटोमेटिकली है ये प्राइमरी अमीन है। चलिए अब हम इसका रिएक्शन लिखते हैं। प्राइमरी अमीन प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या बना के दे रहा है? आइसोसाइनाइड प्लस पोटेशियम क्लोराइड प्लस वाटर। ये बनेगा कैसे? ये है हमारा RNH2 प्लस KOH प्लस क्लोरोफॉर्म। दिस विल गिव अस RNC प्लस KCl प्लस वाटर। चलिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं। हम क्या ले रहे हैं? मिथाइल अमीन, और उसमें क्या डाल रहे हैं हम? KOH और क्लोरोफॉर्म। और हमारे पास जो बन रहा है मिथाइल आइसोसाइनाइड, जो गैस निकली थी, जो डिजास्टर हुआ था, यही मिथाइल आइसोसाइनाइड, वेरी पॉइजनस गैस, पूरे का पूरा टाउन खत्म। सो दैट वाज मिथाइल, जो बोलते हैं ट्रेजडी हुई थी, वहाँ लीकेज हो गई थी मिथाइल साइनाइड की। और है क्या वो? कार्बाइल अमीन रिएक्शन है। क्या रिएक्शन है? मिथाइल अमीन को KOH के साथ रिएक्ट किया, CH3 क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट किया। ये तो एक है, आप कोई भी चीज कर सकते हो। आप इसमें मिथाइल कर दो, इथाइल कर दो, प्लस KOH प्लस क्लोरोफॉर्म, ये देगा हमें CH3 CH2 NC प्लस KCl प्लस वाटर। वेरी ऑफेंसिव स्मेल। ठीक है, तो ये एक टेस्ट है जिससे हम डिस्टिंग्विश करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है, इतना आसान तो है नहीं, अब हमें ये जानना है ये होता कैसे है। ठीक है, और इसमें जिस भी इंटरमीडिएट का इस्तेमाल होता है उसको हम बोलते हैं कार्बीन। तो पहले तो जो क्या रोल है क्लोरोफॉर्म और KOH का? अमीन तो चलो मान लिया, लेकिन क्लोरोफॉर्म और KOH का क्या रोल है? ये पहले आपस में, पहले स्टेप में आपस में रिएक्ट करते हैं और कार्बीन का उत्पादन होता है। वो कार्बीन फिर आगे रीअरेंजमेंट करके जब अमीन के साथ रिएक्ट करती है तो रीअरेंजमेंट करती है, और तब जाके जो है अदला बदली करने के बाद वो आइसोसाइनेट में कन्वर्ट होती है। तो चलिए पहले हम जानते हैं कि कैसे होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, इसका पाथ क्या है, कैसे बनता है ये कार्बाइल अमीन या आइसोसाइनेट कैसे बनता है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। और जिस इंटरमीडिएट का इसमें इस्तेमाल होता है उस इंटरमीडिएट को हम बोलते हैं कार्बीन। तो सबसे पहले जानिए KOH प्लस CHCl3। सबसे पहले तो ये आपस में रिएक्ट करके हमारे को क्या बना के देते हैं? कार्बीन। इसमें से H जो है OH ने क्या करा? H को लिया, बना दिया दिस, और फिर इसमें से Cl निकल गया नेगेटिव, और ये बना दिया CCl2, और इसको हम बोलते हैं कार्बीन, जो कि एक इंटरमीडिएट। आप इंटरमीडिएट्स को जानते हो, इंटरमीडिएट वो चीज होती है जो कि रिएक्शन होने के दौरान होती है, जो कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए बनती है, बहुत ही अनस्टेबल होती है। क्यों अनस्टेबल होती है? हर चीज में उसको स्टेबिलिटी चाहिए, वो रह नहीं सकती अपने इलेक्ट्रॉन्स के बिना। हम बोलते हैं आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्यों? उसको स्टेबिलिटी चाहिए। जिसको स्टेबिलिटी चाहिए तो वो रिएक्ट करेगा। तो इंटरमीडिएट जैसे कि कार्बीन है, अभी आपने इससे पहले जो किया हाफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन करी थी, वहां मैंने आपको बताया नाइट्रीन बनता है। तो ऐसे ही कार्बीन है, नाइट्रीन है, कार्बोनियम है, कार्बेनाइन है, फ्री रेडिकल है, ये सारे रिएक्शन इंटरमीडिएट से तो थोड़ी देर के लिए बनते हैं, और रिएक्शन के बीच में एक स्टॉप आ गया। ये रिएक्शन ए से डी बन बी बन रही है, लेकिन बीच में उसके ट्रांजिशन स्टेट आ रही है, उसको हम इंटरमीडिएट कहते हैं। तो ये इंटरमीडिएट जो यहाँ बनता है वो कार्बीन है। ये कार्बीन आगे अमीन के साथ रिएक्ट करेगी। अब देखिए ये कैसे रिएक्ट करी और इसने क्या किया। ये सारे रिएक्शन के दौरान, सारे प्रोसेस के दौरान हमारे को आइसोसाइनेट बनना है। तो सबसे पहले क्या हो गया? इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था,
उसने इस सीएल पे अटैक किया और इसमें से एक सीएल को बाहर कर दिया। पहले हम ऐसे कर लेते हैं, इसको मैं लिख लेती हूं। नहीं, पहले बाहर नहीं किया, इसमें इलेक्ट्रॉन आ गया, ये प्लस हो गया, फिर इसने माइनस एच प्लस किया, आर एन एच सी सी एल टू। फिर इसने आर एन एच सी एच सी एल सी एल, मैं पहले एक बार लिखती हूँ फिर आपको समझाते हैं कि कैसे हुआ। पहले इन चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे, ये हुआ कैसे। देखिए पहले क्या हुआ, ये है हमारा KOH, ये है हमारा CHCl3। तो सबसे पहले OH ने इसमें से H को ले लिया, तो ये बना दिया CCl3। फिर इसमें से Cl नेगेटिव बाहर निकल गया और हमारे पास बन गया CCl2। इसको बोलते हैं हम कार्बीन, जैसा कि मैंने बताया ये इंटरमीडिएट है। अब ये कार्बीन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इस NH2 के साथ। इसके पास किस चीज की कमी है, दो इलेक्ट्रॉन की। इसके पास कितने होने चाहिए कार्बन के पास, आठ, है ना, चार इसके अपने और चार ये बाहर से ले रहा है, एक क्लोरीन से लिया दूसरे क्लोरीन से लिया, वो तो ठीक है। दो इसके पास डेफिशिएंसी रहेगी, इसके पास छह ही इलेक्ट्रॉन है, इट इज डेफिशिएंट ऑफ टू इलेक्ट्रॉन्स, होने चाहिए आठ, इसके पास कितने हैं, छह, तो इसको हम कार्बीन बोलते हैं। अब नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, वो कह रहा है भाई तुम मेरे से ये इलेक्ट्रॉन्स को ले लो और अपनी डेफिशिएंसी को पूरी कर लो। इसने तो दे दिए, लेकिन साथ के साथ जब ये देता है तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, तो इसने इसके ऊपर प्लस चार्ज कर दिया। अब इसको जब मिल गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, चाहे इसकी डेफिशिएंसी पूरी हुई, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया जाता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, और जब इलेक्ट्रॉन लिया जाता है, जो लेता है वो नेगेटिव हो जाता है, जो देता है उस पर प्लस हो जाता है। तो इस पे तो प्लस हो गया, इस पे ये नेगेटिव हो गया। अब ये जो प्लस है, इस नाइट्रोजन के पास कभी प्लस नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको क्या चाहिए, अपने इलेक्ट्रॉन वापस। वो कहता है इसमें से मैं H को दे देता हूं, किस फॉर्म में, H प्लस के फॉर्म में, सो दैट मेरे को अपने नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन मिले, क्योंकि जब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर किया तो बॉन्ड बनाया, लेकिन हाइड्रोजन को बाहर निकाल दिया, किस फॉर्म में, प्रोटॉन के फॉर्म में, तो ये वापस अपने आप न्यूट्रल हो गया, ठीक हो गया। अब ये R NH HCl, अब लेकिन ये जो H निकला ये कहां जाएगा, Cl के पास, C के पास तो नेगेटिव है, ये फटाफट इस वाले C ने उसको ग्रैब कर लिया, उसने कहा मैं अपने आप को स्टेबल कर लेता हूं, अब कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, ये चार अपना H यहां आ गया। लेकिन नाइट्रोजन को फिर टेंडेंसी क्या है, ये Cl की टेंडेंसी क्या है, आप जानते हो Cl क्या है, Cl इलेक्ट्रोनेगेटिव, पहले भी बहुत बार हम कर चुके हैं, जितने भी ये X होते हैं इनकी टेंडेंसी है कि हम इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखें। अब ये क्या कोशिश कर रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकल जाऊं। जब ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर निकला, समझिए ये इस स्टेप को ही समझो पहले, ये इलेक्ट्रॉन लेके बाहर चला गया, जब बाहर चला गया तो यहां क्या हो गया, प्लस, नाइट्रोजन है इसके बगल में, इसके पास क्या है, दो इलेक्ट्रॉन, वो कह रहा है भाई कार्बन मैं तुम्हारी डेफिशिएंसी कवर अप करता हूं। तो इसको हम लिखने के लिए हम ऐसे लिखते हैं कि नाइट्रोजन ने इसको दिया, इसने बाहर निकाल दिया, तो हमारे पास जो कंपाउंड बन गया आर एन एच, और लेकिन नाइट्रोजन ने तो दो इलेक्ट्रॉन दे दिए तो प्लस हो गया, और इन्होंने आपस में प्लस और माइनस बॉन्ड बन गया, तो ये हमारे पास ये प्रोडक्ट आ गया, ठीक हो गया। अब फिर इसमें से एच गायब हो गया, इस एच को बाहर निकाल दिया हमने, है ना, ये एच बाहर निकल गया तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाएगा, ये प्लस चार्ज आ जाएगा, नाइट्रोजन है वो कह रहा है कि मुझे तो डेफिशिएंसी वापस चाहिए, वो इसको अपनी तरफ खींचता है, और अपनी तरफ खींचने के लिए उसको एक एच को लूज करना पड़ेगा, वो लूज किया तो हमारे पास बन गया आइसोसाइनेट। क्लियर हो गई बात, निकल गया हमारे पास, अब हमने इसमें से एच निकाल दिया, एच निकला तो हमें सीएल को भी निकालना पड़ा, सीएल निकल गया तो हमारे पास क्या बच गया,
आर एंड सी, वो आर एंड सी हमने लिख दिया और हमारा कंपाउंड जो है वो क्लियर हो गया। मतलब अब ओ एच आएगा तो एच को ले जाएगा, एन जो है धक्का मार रहा है और सी एल को बाहर निकाल रहा है, बोला जी निकलो तुम बाहर, यहाँ एन जो है इसने ऐसे और ऐसे करके सी एल को बाहर निकाल दिया, लेकिन एच अभी भी इसके पास है, जब एन के ऊपर प्लस आ गया एच है, लेकिन इसको भी अपनी डिफिशियंसी कवर करनी है। कैसे डिफिशियंसी कवर कर रहा है, बोल रहा है एच को बाहर निकल, एच बाहर निकला इसको वापस इलेक्ट्रॉन मिल गए तो हमारे पास आइसोसाइनेट बन गया। ऐसे करके हम आइसोसाइनेट को उत्पाद करते हैं इस रिएक्शन से, तो इसको बोलते हैं हम कार्बाइलामीन रिएक्शन। ये क्या डिस्टिंग्विश कर रही है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी। फिर से जानिए क्या हुआ, यहां तक आपको क्लियर हो गया था ये कार्बिन बन गया, फिर क्या हुआ यहां से एच निकल गया, एच प्लस निकल गया ताकि नाइट्रोजन को अपना वापस इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो क्या हो गया आर एन एच एच सी सी एल टू, लेकिन सी के ऊपर क्या है नेगेटिव चार्ज, ये जो एच निकला वो किसने ले लिया इस सी ने, तो ये सी एच सी एल हो गया, टू हो गया। अब क्या कह रहा है, ये सी एल कह रहा है मैं बाहर निकल रहा हूं, ये सी एल बाहर निकल गया तो यहां होना चाहिए प्लस, नाइट्रोजन ने उसको अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन दे दिए तो यहां क्या चार्ज आ जाएगा प्लस, तो ये बन गया ठीक हो गया, ये रिएक्शन हो गई है ना। अब नाइट्रोजन पे प्लस, उसके पास है H, यहाँ है डबल बॉन्ड, यहाँ है H और यहाँ पर है Cl, इसने कहा मुझे वापस अपने इलेक्ट्रॉन चाहिए तो माइनस H निकाल दिया, तो हमारे पास बन गया देखिए R N फिर से न्यूट्रल हो गया, डबल बॉन्ड CH Cl ठीक। अब क्या कर रहा है ये Cl फिर निकल रहा है, क्योंकि Cl की टेंडेंसी है मैं इलेक्ट्रॉन लेके ही बाहर जाऊंगा, वो Cl लेके निकल गया तो नाइट्रोजन ने क्या किया अपना फिर डेफिशिएंसी पूरी करने के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन को दे दिया। अब दे दिया तो खुद पे तो प्लस चार्ज आ गया और यहां पर एच रह गया है ना। अब एच अगर रह गया तो क्या कर रहा है ये एच वापस निकल रहा है इस तरह से, ये नेगेटिव था इसने इसको दे दिया तो हमारे पास एच निकल गया और आर एन ट्रिपल बॉन्ड सी बन गया, तो हमारा ये कंप्लीट हो गया कि ये कैसे हमारा मिथाइल साइनाइड या आइसोसाइनाइड बनता है जो कि बहुत ऑफेंसिव है। तो ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन ही देता है, क्योंकि ये उसी का काम है, जब तक आपके पास हाइड्रोजन नहीं होंगे तब तक, अगर दो हाइड्रोजन है तो काम बनेगा, लेकिन अगर एक ही हाइड्रोजन है तो उसके पास तो अब्स्ट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, ताकि बार बार HCl HCl के फॉर्म में बाहर निकले वो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये रिएक्शन सिर्फ प्राइमरी अमीन ही देते हैं। चलिए आगे बढ़ाते हैं आप श्रृंखला को, जो एक और हमारी कोई विशेषता है इसकी करने के लिए, वो क्या है शॉर्ट मैन बूमैन रिएक्शन। चलिए ये भी एक किस्म के रिएक्शन है शॉर्ट मैन बूमैन, बेसिकली ये रिएक्शन है अमीन्स की विद इसके साथ एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स, ये है अमीन्स की रिएक्शन एसिड क्लोराइड्स के साथ और एनहाइड्राइड्स के साथ। लेकिन जो शॉर्टमैन बूमैन है वो स्पेशली क्या है, जब हमारे पास जो क्लोराइड है एसिड क्लोराइड है वो हमारे पास एरोमेटिक हो और जो अमीन है वो भी एरोमेटिक हो। जब शॉर्टमैन बूमैन ने इस पे काम किया तो उन्होंने क्या किया, और उसके आगे मॉडिफिकेशन है, हम ग्लाइसिन भी ले सकते हैं एलिफेटिक भी ले सकते हैं, लेकिन इनिशियली जब वर्क हुआ तो उन्होंने क्या यूज किया बेंजोइल क्लोराइड और एनिलीन। तो क्या है वैसे ही रिएक्शन आर एन एच टू प्लस आर सी ओ सी एल, दिस विल गिव अस आर एन एच सी ओ सी एल राइट, तो ये बना देता है सो मतलब एडिशन ऑफ दिस सी ओ सी एल विल बी देयर है ना। तो ये आर एन एच टू का रिएक्शन अमीन का रिएक्शन क्लोराइड के साथ है एसिड क्लोराइड के साथ है या एसिडिक या आर सी ओ एनहाइड्राइड, तभी भी हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो यही है ना, ओ एन एच सी ओ जो भी आपके सी ओ सी एच थ्री होगा, जो भी हमारे पास एसिड डेरिवेटिव रहेगा हम उसको हम इसको प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन हुआ क्या बनता क्या है देखा जाए तो कौन सा ग्रुप ऐड हुआ है देखिए, देखा जाए तो ग्रुप कौन सा ऐड हो रहा है NHCO, तो बन क्या रहा है एमाइड। सो दिस इज रिएक्शन बिटवीन एसिड क्लोराइड एंड अमीन टू गिव अस एन एमाइड। लेकिन जब शॉर्टमैन बूमैन ने काम किया उसने जो इस्तेमाल किया उसने यूज किया एनिलीन प्लस बेंजोइल क्लोराइड
प्रोडक्ट इज सो दिस वॉज द रिएक्शन विच वॉज डन बाई शॉर्टमैन बोमैन. ठीक है, अब इसको होता कैसे है, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल एंड डू इट, कैसे करेंगे हम. ठीक है ना, चलिए ये भी एक टेस्ट है प्राइमरी सेकेंडरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, क्योंकि ये प्रोसीड कैसे होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. सो हम लिखते हैं इसको आर एन एच टू प्लस आर सी ओ सी एल. This gives RNHCOR. फिर हमारे पास ये कहते हैं नेदर मॉलिक्यूल, सपोज हमारे पास है R2NH प्लस RCOCl, so this will give us R2NCOCl. फिर है हमारे पास R3NH plus RCOCl, R3N, so you will not get, you will get R3N plus COCl. You will get a quaternary salt. तो देखिए क्या होगा, प्राइमरी है तो आपके पास एमाइड हो गया, सेकेंडरी हो गया तो डाई सब्स्टिट्यूटेड. अब होता क्या है, बिकॉज प्राइमरी जब बनता है आर एन एच सी ओ आर बनता है, सो यही अमीन जो है इसमें रिएक्ट करके इसमें से प्रोटॉन को ले सकते हैं. लेकिन अगर सेकेंडरी के साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके पास तो एच ही नहीं पड़ा है कि वो उसको ले सके. सो इसलिए ये रिएक्शन फेल और ये रिएक्शन पास, बिकॉज हमें क्या हो जाता है, यही बेस की तरह काम करके इसमें से H को ले सकती है, लेकिन यहाँ हमारे पास H ही नहीं बचता है और टर्शरी तो ये रिएक्शन दे ही नहीं पाता क्योंकि उसके पास तो H है ही नहीं. तो प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी को अगर हमने डिस्टिंग्विश करना है तो शॉर्टमैन बोमैन से भी हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि वो एमाइड फॉर्मेशन देता है. ये एक किस्म का मॉडिफिकेशन है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स का रिएक्शन एल्काइल हैलाइड के साथ या एसिड क्लोराइड के साथ या एसिड एनहाइड्राइड के साथ. नॉर्मली जितने भी प्राइमरी अमीन है अगर हम एल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट करें, अभी मैं वो रिएक्शन करके बताती हूँ, तो हमने जो सिंथेसिस करी थी, जो प्रिपरेशन करी थी अमोनिया का, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल, तीन मॉलिक्यूल ऐसे ऐड करके हम वो रिएक्शन करेंगे, तो ऐसे ही हम एसिड क्लोराइड्स की भी रिएक्शन करते हैं. लेकिन इन स्पेशल जब एनिलीन और बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन है जो मैंने पहले लिख के दी आपको, अगर हम वो करते हैं तो वो हमारे पास बन जाती है शॉर्टमैन बोमैन. इसकी आगे हम मॉडिफिकेशंस करते जाएंगे. से फॉर एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, हम अमीन को रिएक्ट करवा रहे हैं एल्काइल हैलाइड्स के साथ. देखिए डिस्टिंग्विश करने का एक और तरीका जो है एल्काइल हैलाइड के साथ, तो ये कितने मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा टू फॉर्म क्वार्टरनरी सॉल्ट, ये हमने हमारे पास क्वेश्चन आएगा. ठीक है, फिर से आर एक्स देखिए, एक आर एक्स के साथ ट्रीट किया तो ये क्या बन गया, आर टू एन एच प्लस एच एक्स निकल गया. फिर एक और आर एक्स आया, फिर एक एच एक्स निकल गया और ये बन गया आर थ्री एन, आर थ्री एन और एक एच एक्स निकल गया. फिर एक और आर एक्स के साथ ट्रीट किया तो बन गया एन फोर और एक्स नेगेटिव. तो क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी अमीन कितने मोल्स आर एक्स के साथ ट्रीट करके क्वार्टरनरी सॉल्ट बना रहा है, एक फिर दो फिर तीन. सो प्राइमरी अमीन को क्वार्टरनरी सॉल्ट बनाने के लिए कितने एल्काइल हैलाइड्स की जरूरत है, थ्री मोल्स. ठीक हो गया, यही रिएक्शन अब हम सेकेंडरी के साथ करते हैं. आर टू एन एच किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, आर एक्स, क्या बना रहा है आर थ्री एन, फिर एक आर एक्स तो क्या बना रहा है आर फोर एन प्लस एक्स नेगेटिव. सो कितने मोल्स आर एक्स की रिक्वायरमेंट हो गई, एक और दो. क्या बनाना है, हम तो एंड प्रोडक्ट देखेंगे, हमने एल्काइल हैलाइड लिया, हमने अमीन ली और हम एंड प्रोडक्ट देख रहे हैं क्वार्टरनरी अमोनियम सॉल्ट. तो हम देख रहे हैं जब हमने तीन मोल लिए
और फिर क्वार्टनरी सॉल्ट बना, फिर हम देख रहे हैं दूसरी बार में ले रहे हैं तो हमें दो ही मोल चाहिए, तीसरी बार देखेंगे जब हम टर्शरी से करेंगे तो एक ही मोल है, तो हम डिस्टिंग्विश कर पाएंगे एक मोल का इस्तेमाल है तो टर्शरी है, दो मोल का इस्तेमाल है तो सेकेंडरी है, तीन मोल का इस्तेमाल है तो प्राइमरी है। तो चलिए अब हम लिखते हैं R3N, फिर RX, फिर बनाएगा R4N, फिर X नेगेटिव। तो ये भी क्वार्टनरी सॉल्ट, ये भी क्वार्टनरी सॉल्ट, ये भी क्वार्टनरी सॉल्ट। तो देखिए क्वार्टनरी सॉल्ट अगर प्राइमरी अमीन के साथ है तो आपको कितने आरएक्स चाहिए, तीन, सेकेंडरी के साथ दो और टर्शरी के साथ। तो ये भी एक टेस्ट है जो डिस्टिंग्विश भी करेगा और वो इसकी अमीन्स की विशेषता भी बनाएगा। ऐसे ही जो भी हमने ये जो शॉर्टमैन बोमैन कर रहे थे, ये तो एल्काइल हैलाइड के साथ है, वो एसिड क्लोराइड्स के साथ। ये श्रृंखला की हम आखिरी रिएक्शन कर रहे हैं और ये हम अमीन्स को यहीं पर खत्म करते हैं कि ये इसकी विशेषताएं। तो देखिए क्या है, RNH2 प्लस यही जो अभी हम कर रहे थे RCOCl। तो सोचिए RX की जगह हमारे पास क्या है, अब RCOCl। तो क्या करेगा ये RNHCOCl, COR, ये Cl निकल जाता है इसमें से, देखिए ठीक है, HCl के फॉर्म में। फिर एक और मॉलिक्यूल आया RCOCl, तो क्या होगा, बन जाएगा RNCOR COR। अब अगर एक और मॉलिक्यूल आ जाए RCOCl तो क्या होगा, RNCOCl COR COR COR, और ये बन गया प्लस, फिर इसके साथ बगल में लिखिए क्वार्टनरी सॉल्ट, कैसे पहले एल्काइल हैलाइड के साथ था, अब RCO के साथ, RCO के साथ। तो कितने मॉलिक्यूल चाहिए, 1, 2 और 3 टू फॉर्म क्वार्टनरी सॉल्ट। इसको बिटेन भी बोलते हैं, बिटेन टेस्ट भी होता है ये, तो हमारे को फिर से तीन चाहिए। ऐसे ही अब हम क्या करेंगे, सेकेंडरी, सोचिए सेकेंडरी क्या है हमारे पास, RNH, ऑलरेडी इसके पास COCl है, COR है, फिर से एक के साथ ट्रीट किया तो इसको एक मोल रिक्वायर्ड है, दूसरा मोल रिक्वायर्ड है, फॉर्म क्वार्टनरी। टर्शरी में अगर हम देखेंगे तो एक ही रिक्वायर्ड है, तो ऐसे हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। ये शॉर्टमैन बोमैन में क्या होता है, सिर्फ हम एरोमेटिक को ही लेते हैं, क्या एरोमेटिक लेते हैं, बेंजोइल क्लोराइड, हम R की जगह एरोमेटिक, अमीन की जगह एरोमेटिक, जो मैंने अभी आपको करके बताया, तो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं शॉर्टमैन बोमैन। लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है, एसिड क्लोराइड्स के अंतर्गत, किसका रिएक्शन, अमीन्स का रिएक्शन। तो नटशेल में क्या हुआ, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए हमारे पास इतनी सारी विधियां हैं। प्राइमरी को विधि जानने के लिए कि प्राइमरी अमीन की विशेषता क्या है, वही विशेषता है जो सेकेंडरी की है, जो टर्शरी की है, लेकिन हर एक केमिकल के साथ उसका रिएक्शन अलग अलग तरीके से है। प्राइमरी कुछ और प्रोडक्ट देती है, सेकेंडरी कुछ और देती है, टर्शरी कुछ और देती है। तो पहले अगर हम सीरीज में चले, हमने हाफ मैन वाली करी है ना, अब हम इसको सम अप करते हैं, हमारी जो अमीन्स की विशेषताएं क्या थी और हमने किया क्या। तो जो पहली हमने रिएक्शन करी थी वो थी हाफ मैन डिग्रेडेशन। वो क्या कहता है हाफ मैन डिग्रेडेशन, वो ही अगर आप सबको घूम फिर के देखोगे तो अमीन्स की सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो है एल्काइल हैलाइड्स के साथ रिएक्ट करना, कोई किसी तरीके से, कोई किसी तरीके से। तो जो हमने पहले हाफ मैन डिग्रेडेशन करी उसमें हमने क्या बताया कि एल्कीन की उत्पादन होता है, एल्कीन बनता है, डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड बनते हैं, चाहे ब्यूटाडीन बना लो, दो होगे तो ब्यूटाडाइन होगा, नहीं होगा तो एक होगा एल्कीन। तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया साइक्लिक वाली सीरीज से, एक एग्जांपल मैंने दिया एलिफेटिक वाली सीरीज से, एक उदाहरण दिया मैंने कि होना क्या चाहिए कंडीशन उसके लिए, कि उसमें एक बीटा हाइड्रोजन होनी चाहिए। मतलब ऐसे नहीं है कि मिथाइल अमीन और आर एक्स का रिएक्शन कर दो तो उससे वो हमारे को डबल बॉन्ड बने, वो हाफ मैन डिग्रेडेशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास नाइट्रोजन के अल्फा और बीटा, अल्फा तो होगा ही होगा, बीटा में एक हाइड्रोजन होना चाहिए, चाहे अल्फा में है या नहीं है पर बीटा में एक हाइड्रोजन होना चाहिए ताकि एल्कीन बन पाए। तो उसके लिए क्या किया हमने, उसको आरएक्स के साथ ट्रीट किया, बनाने की विधि वही है, ये क्वार्टनरी सॉल्ट बनाना है, फिर एच को लूज करना है और हमें डबल बॉन्ड बनाना है। मैंने आपको एक उदाहरण दिया, कैसा उदाहरण दिया, मैंने एक एलिफेटिक अमीन का उदाहरण दिया, दूसरा मैंने आपको उदाहरण दिया सेकेंडरी होगी तब कैसे करेंगे, टर्शरी होगी तब कैसे करेंगे, और फिर मैंने एक साइक्लिक टर्शरी से हमने सेकेंडरी बनाई और फिर वो ब्यूटाडाइन का सिस्टम जनरेट करके बताया। तो ये बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट इसकी विशेषता है अमीन्स। ऐसे ही हमने दूसरा मेथड क्या किया HNO2 के साथ, जिसमें मैंने बताया प्राइमरी अमीन क्या करती है, प्राइमरी अमीन रिएक्ट करके नाइट्रोजन का उत्पादन करती है,
सेकेंडरी अमीन क्या करती है, येलो कलर का एक ऑयली लिक्विड बनाती है। टर्शियरी अमीन क्या करती है, या तो नाइट्रोसो कंपाउंड बनाती है, या जो कंपाउंड बनाती है वो इनसॉल्युबल होता है, उसको कोई कलर नहीं होता, और या फिर वो ग्रीन कलर का कंपाउंड बनाती है, नाइट्रोसो कंपाउंड बनाती है, और दूसरे में वो नाइट्रेट बनाती है, सॉल्ट बनाती है जो कलरलेस होता है। तो इससे भी हमें आइडेंटिफिकेशन हो जाती है। फिर हमने जो तीसरा एक टेस्ट किया वो क्या टेस्ट किया कि सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया। प्राइमरी और सेकेंडरी तो रिएक्ट करके मोनो और डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट बनाते हैं, टर्शियरी रिएक्ट ही नहीं करता है। मोनो जो प्रोडक्ट है वो NaOH में सॉल्युबल हो जाता है, एसिड डालने से अपेयर हो जाता है। जो डाई वाला प्रोडक्ट है सेकेंडरी अमीन का है, वो सॉल्युबल ही नहीं होता और एसिड से कोई रिएक्शन ही नहीं होती। और जो ट्राई वाला है वो NaOH में तो इनसॉल्युबल है, लेकिन ऐसे डालते हैं तो वो सॉल्युबल हो जाता है, क्योंकि वो सॉल्ट फॉर्म में बन जाता है। सो ऐसे हम दूसरे टेस्ट से करते हैं। फिर एक टेस्ट हमने किया कार्बाइलामीन टेस्ट है, जो कि सिर्फ प्राइमरी अमीन देती है, क्योंकि ऑफेंसिव स्मेल आती है, उसमें नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन्स की रिक्वायरमेंट है, दो हाइड्रोजन्स होंगे तो ही कार्बाइलामीन बनेगा, मीन्स आइसोसाइनाइड बनेगा। किस इंटरमीडिएट से, वो मैंने आपको बता दिया, कार्बीन वाले इंटरमीडिएट से बना। और लास्ट में जो हमने टेस्ट किया वो किया हमने शॉर्ट बैंड वोमेन, जो कि अल्काइल हैलाइड से रिएक्शन, अल्काइल क्लोराइड से रिएक्शन है, और वो बनाती है एमाइड। प्राइमरी अमीन देती है, सेकेंडरी थोड़ी वीक होती है, और टर्शियरी वो रिएक्शन देती है। ऐसे करके हमारा ये अमीन जो है